गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, हमने लास्ट टाइम क्लास वन मैथ मैजिक बुक में देखा था, रिवीजन कर ले थोड़ा। ओके, हमने केमल वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, सेव्स एंड स्पेस में। देखिए यहाँ पर केमल वाली इन और इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बाकी है आपका करना, तो आप प्लीज़ उसे कर ले। ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, फिर हमने देखा था बिगर एंड स्मॉलर। ओके, फिर हमने देखा था टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम। ओके, टॉप मतलब कि ऊपर, बॉटम मतलब कि नीचे। ओके, इस तरह से बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ओके, फिर नाउ हमने देखा था नज़दीक और दूर, नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट। ओके, नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट, नियर मतलब कि नज़दीक। ओके, नज़दीक और ये दूर मतलब कि फर्दरेस्ट। ओके, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट हमने देखा था बिलो, ऑन, अंडर, अबो एंड बिलो। ओके, टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल। ओके, नीचे है तो अंडर द टेबल। ओके, ये भी अंडर द टेबल। ओके, नीचे है फैन के नीचे तो बिलो द फैन, फैन के नीचे, और टेबल के ऊपर है तो अबोव द टेबल। फैन कहाँ है? टेबल के ऊपर है तो अबोव द टेबल। ओके, फिर हमने ये पिक्चर देखी थी। ओके, यहाँ पर नज़दीक एंड दूर, डिस्कस द नियर, फार एंड टॉप एंड बॉटम की हमने डिस्कशन की थी। ओके, नियर है, बॉटम है। ओके, फिर नेक्स्ट हमने ये सेप देखे थे। ओके, सर्कल वाली और जो येलो बॉक्सेस हैं उसको येलो में एंड पिंक। ओके, दोनों बॉक्स हैं उसमें चीज़ें रखनी थी। ओके, सेप वाली। ओके, अलग अलग सेप की। फिर ये भी है, ये भी एक्सरसाइज हमने कर ली थी। जिसने नहीं किया है तो ये स्क्रीनशॉट ले ले, आंसर मैंने करके रखे हैं तो आपको ये कंप्लीट कर देना है। ओके, फिर हमने देखा था रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, रोल है जो बॉल है, जो रोल करता है ना, जो इस तरह से बॉक्स है जो स्लाइडिंग करता है। ओके, फिर यहाँ पर वाइज ग्रैंड मदर, हमने स्टोरी देखी थी वाइज ग्रैंड मदर की। ओके, वाइज ग्रैंड मदर की हमने स्टोरी देखी थी। लैम है जो अपनी दादी के घर जाता है। ओके, वहाँ उसको रास्ते में एक भेड़िया मिल जाता है। ओके, तो वो उसे खाने की बात करता है और रिटर्न टाइम, दादी के मिलने के बाद रिटर्न टाइम दादी ने एक आइडिया दिया होता है, जो ढोलक में बैठ के आता है और ढोलक ढोलक है जो रोलिंग करता है। ओके, तो वो इस तरह से अपने घर सेफली पहुंच जाता है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सेप से। ओके, सेप मेड द सेप और द सेम साइज। पेज नंबर है आपका 15। सेप से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये, फिर ये देखो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल हैं, तो यहाँ पर सेम ट्राइंगल से हम मैच करेंगे। ओके, ये सेप इसके से सेम है, यहाँ पर ये है। ओके, फिर ये इस तरह से है। ओके, उल्टा है बट ये दोनों सेम है। ओके, फिर ये दोनों सेम है। ओके, ये वन, ये लास्ट वाला और ये वन वाला। ओके, ये सेम है। ओके, तो आपको इस तरह से जोड़ देना है, मेक द सेम। ओके, फिर यहाँ पर है मेक द सेम सेप। अभी यहाँ पर सेम सेप करना है। ओके, मेक द सेम। यहाँ पर सर्कल है, देखो ये सर्कल, फिर ये सर्कल। ओके, यहाँ से इसे, सॉरी बच्चों, यहाँ तक। ओके, फिर नेक्स्ट इस तरह से आपको सारे सेप आपको ज्वाइन करना है, मैच करना है। ओके, फिर ये ट्राइंगल। ओके, ये लास्ट वन ट्राइंगल। ओके, पेंटागॉन है, ये पेंटागॉन है, इसे यहाँ पर। ओके, ये सेमी सर्कल है, इसको यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करना है। ओके, इस तरह से बहुत इजी है, तो आप कर सकते हो। ओके, फिर है कलर द
कलर द स्मॉलेस्ट सेट, अभी सबसे छोटे शेप में कलर करना है। देखिए ये एक आप हमें करके दिखाएं, ओके। तो यहाँ पर छोटा, सबसे छोटा सर्कल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सर्कल दिस इज, ओके। तो यहाँ नाउ यहाँ पर हम येलो कलर फिल कर देंगे, ओके। तो आपको भी पेंसिल कलर लेना है, अदरवाइज आपके पास जो कलर है बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। हो गए हमारा, ओके। फिर ये लास्ट में, ओके, यहाँ पर भी आपको तीनों में से स्मॉल कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर भी आपको येलो कलर करना है, ओके। अदरवाइज आपको दूसरा कोई कलर पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, ओके, बट कलर फिल करना है, ओके। बहुत इजी है ये चैप्टर, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ओके। सी नाउ फिर नाउ नेक्स्ट ये पेंटागोन है, ओके। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ये है बीच वाला, ओके। यहाँ पर आपको ओके अंडरस्टैंड, अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हो गया, ओके। नेक्स्ट पेज पे भी यहाँ पर देखो जॉइन द सिमिलर शेप, अभी यहाँ पर सिमिलर शेप में जॉइंट करना है। देखो यहाँ पर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ओके, इस तरह से है, तो ट्राइंगल वाली ट्राइंगल से मैच करना है। आपको स्केल यूज़ करनी है बच्चों, फिर सर्कल और फिर ये इस तरह से हमें शेप में, ओके। फिर यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कलर द, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करना है, ग्रीन कलर ट्राइंगल में, ग्रीन कलर फिर रेड कलर सर्कल में, रेड कलर एंड ब्लू कलर। तो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ ग्रीन कलर से बच्चों, जहाँ भी पिक्चर में आपको ट्राइंगल ट्राइंगल दिखाई दे वहाँ पर ग्रीन कलर, तो ये है ट्राइंगल, यहाँ पर ग्रीन कलर, फिर ये सारे ग्रीन कलर, ओके, इन सब में ग्रीन कलर, फिर ये छोटे छोटे ट्राइंगल हैं उसमें भी ग्रीन कलर, ओके, इसमें भी ग्रीन कलर, फिर नीचे भी यही है ग्रीन कलर, ट्राइंगल में ग्रीन कलर, तो यहाँ पर ये सारे ट्राइंगल हैं, ओके, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ओके, ये सारे ट्राइंगल हैं, ओके। तो इन सब में ग्रीन कलर फिल करना है, ये सारे ट्राइंगल हैं, तो ये सब में ग्रीन कलर फिल करना है, कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, ग्रीन कलर ले लो आप, ओके, थोड़ा डिफरेंट हो, ये मेरे पास डार्क ग्रीन है, आपके पास ग्रीन कलर हो थोड़ा लाइट भी हो तो चलेगा, ओके, वो आपको भी पिक्चर में कलर फील करना है, ओके।
ओके बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको भी इन शेप में कलर फिल करना है। ओके अंडरस्टैंड, वेयर है ये ट्राइंगल। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको स्लोली अच्छे से करना, मुझे तो टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होता है ना बच्चों, ये वीडियो बना रही हूँ मैं। ओके ऑनलाइन पे चल रहा है। ओके तो मुझे टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़ा रफ वर्क भी कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से कलर फिल करूँ। ओके ये पिक्चर मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ, सेकेंड पिक्चर आपको खुद कंप्लीट करना है। ओके फिर हम लेंगे यहाँ पर, देखो ये ट्राइंगल है, एक बार ग्रीन कलर हाथ में ले लिया है तो पूरे ट्राइंगल में ग्रीन करना है। ओके चलिए यहाँ पर है नेक्स्ट रेड कलर, सर्कल में रेड कलर, तो रेड कलर ले लो, सर्कल में रेड कलर करना है। ओके सारे सर्कल में रेड कलर। ओके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छा ना मैच ड्रॉइंग के साथ पढ़ रहे हो। ओके फिर ये इसमें ये सर्कल है। ओके मैच हम ड्रॉइंग के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी रेड कलर। फिर इसमें रेड कलर, फिर यहाँ पर भी रेड कलर, ये भी सर्कल है ना, ओके फिर ये सारे रेड कलर में। ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके और ये वन यहाँ पर, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, अंडरस्टैंड इट। अभी कौन सा बच गया, ब्लू बच गया है ना, तो ब्लू कलर करेंगे हम यहाँ पर। ये सारे रेक्टेंगल है, इस तरह से आपको नीचे वाले पिक्चर भी कंप्लीट करना है कलर करके। ओके सारे है ना, इसमें सारे सिर्फ में यही कलर होगा। ओके
आपको अच्छे से स्लोली करना है बच्चों, क्योंकि आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, आपको वर्क ही करना है। ओके, कोई वीडियो नहीं बनाना है। ओके, तो फिर इसी तरह बच्चों आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। ओके, आगे आपको इसमें कलर कर देना है, इसमें भी कलर करना है, इसमें भी कलर करना है, इसमें भी कलर कर देना है। ओके, देखो यहाँ पर मैं पूरा करके दिखाई देती हूँ, ये कंप्लीट कर देती हूँ पिक्चर। ओके, फिर सेकंड वाला पिक्चर आपको खुद कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पर है कुछ रह जाए तो आपको करना है। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा बीच वाली लाइन और ये और यहाँ पर ये। ओके, हो गया, थोड़ा डार्क करें आप। ओके, अच्छे से ये थोड़ी पोर्शन रहेगी भाई, बीच बीच में जगह तो वो नहीं रहनी चाहिए। ओके बच्चों, अच्छे से कर लो। ओके, समझ में। चलो अभी सेकंड पिक्चर में यहाँ पर ग्रीन कलर तो करना है। ओके, ग्रीन कलर किसे करना है, ये सारे ग्रीन कलर, ट्राइंगल में ग्रीन कलर करना है, मैंने बताया। ओके, फिर पिंक कलर है, यहाँ पर रेड नहीं है, पिंक है, तो पिंक कलर इन सर्कल में पिंक कलर। ओके, इस सारे सर्कल में पिंक कलर। ओके, समझ में आ रहा है, पिंक कलर। ओके, ये सारे सर्कल हैं जिसमें पिंक कलर, फिर है येलो कलर, येलो कलर हमें यहाँ पर इसमें लेना है। ओके, ये है जो येलो कलर से होगा। ओके, फिर आपको कहाँ पर ऐसा लगता है येलो कलर, ये है लाइन, यहाँ पर येलो कलर। ओके, अंडरस्टैंड। अभी ये पिक्चर आपको खुद कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखो बच्चों, ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, फिर ये लास्ट है। तो इस तरह से आपको भी कोई ड्राइंग बनानी है, शीट का यूज़ करके ड्राइंग बनानी है और उसमें कलर फिल करना है, इसमें भी आपको कलर फिल कर देना है। ओके, शेप को यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट शेप का यूज़ करके आपको ऐसे कोई एक पेपर लेना है, उस पर इस तरह की ड्राइंग बनाना है और इसमें कलर फिल कर देना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, सी यू अगेन।